पूरी दुनिया के साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने चौथा लॉकडाउन लगाया हुआ है। इस बीच इसी मुद्दे को लेकर शबाना आजमी का एक ट्वीट चर्चा में आ गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मीलों दूर पैदल चल रहे मजदूरों को कई हादसों का शिकार होना पड़ा है। वहीं सोशल मीडिया पर मजदूरों की दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं। मजदूरों की इस हालत पर बॉलीवुड के कई सितारे अपने प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन मजदूरों का दर्द बयां करने के चक्कर में शबाना आजमी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई है। सोशल मीडिया यूजर उन पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। शबाना आजमी सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती है, वही कई मुद्दों पर अपनी राय भी देती रहती है। शबाना आजमी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में एक छोटा बच्चा अपने भाई या बहन को गोद में लिया फुटपाथ पर बैठा नजर आ रहा है। उनके हाथ में बोतल है। इस तस्वीर को साझा करते हुए शबाना आजमी ने अपने ट्वीट में लिखा, दिल तोड़ देने वाला, हार्ट ब्रेकिंग। सोशल मीडिया पर शबाना आजमी द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर पर कई सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। ट्रोलर्स ने कमेंट करते हुए बताया कि शबाना आजमी ने जो तस्वीर शेयर की है वो एक साल से भी ज्यादा पुरानी है। इतना ही नहीं, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो इस एक साल पुरानी तस्वीर के स्क्रीन शॉट कमेंट में शेयर किए है, जिसमे लोगों ने बताया कि बच्चे की ये तस्वीर मलेशिया या पाकिस्तान की है। इसके अलावा और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शबाना आजमी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है। आइए डालते हैं उन मेन कमेंट्स और ट्रोल्स पर एक नजर। भी हमें बताएं कि शबाना आजमी के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है। पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।